Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेकेंड यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज़ बेस्ड ऑन UPSC. सो आप लोगों के जैसे मैसेजेस आ रहे थे कि आपके MST जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, सो आई थॉट कि आपका यूनिट 2 जो है जिसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो में बताया था, सो मैं एक वीडियो आज अपलोड करूँगी और जो नेक्स्ट वीडियो है आपकी सेकेंड जो SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे बेस्ड है उस पर मैं कल वीडियो अपलोड कर दूँगी. सो प्लीज़ everyone सपोर्ट करो चैनल को. अगर आप चाहते हो वीडियोज़ ऐसे ही आते रहें, आप तक नोट्स पहुँचते रहें जल्दी से जल्दी, सो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करो. और जब भी वीडियो आती है प्लीज लाइक करो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर आए. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 7, क्रिटिकली इवैल्यूएट द UPSC. UPSC की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. सो सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स 3 कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. सो हमारा जो संविधान है इंडिया का उसमें 3 तरीके की कैटेगरीज होती हैं जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन को डिवाइड किया हुआ है. द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज टू सर्व द नीड्स ऑफ यूनियन. सबसे पहले टॉप मोस्ट पोजिशन पर हमारी आती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UPSC. अब ये जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया. देन स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन इज़ टू सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट. और जो SPSC होते हैं वो स्टेट लेवल पे वर्क करते हैं, यानी कि हमारी जितनी भी स्टेट्स होती हैं वहाँ पर सर्विस कमीशन का नाम क्या होता है, SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. फिर थर्ड आपकी कैटेगरी आती है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ टू सर्व द नीड्स ऑफ 2 or more स्टेट्स. अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का जॉइंट कमीशन होता है तो उसका नाम क्या दिया जाता है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन. वाइल UPSC एंड SPSC आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. अब जो UPSC और SPSC है इसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इट इज़ कंपल्सरी कि इंडिया में UPSC और SPSC कमीशन होंगे. जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ टू बी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. और जबकि जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है जो 2 या 3 स्टेट्स के लिए कंबाइन काम करता है वो तभी क्रिएट किया जा सकता है अगर हमारी पार्लियामेंट यानी संसद ने उसके लिए एक्ट लाया जाएगा. तो अगर कोई भी 2 या 3 स्टेट्स ये कहती हैं कि उन्हें जॉइंट सर्विस कमीशन चाहिए तो उसके लिए वो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट उसके लिए फर्स्ट पार्लियामेंट में एक्ट लाना पड़ेगा, तब जो है जॉइंट सर्विस कमीशन जो है इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा. देन उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है डेफिनेशन. अब यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है आप टू द पॉइंट ऐसे ही लिखो. अब डेफिनेशन लिखना इज़ नॉट कंपल्सरी. अब जो बच्चे तो अच्छे हैं लर्निंग में वो अच्छे से लर्न करके इसको लिख दें, और जिनको ये लर्न नहीं होगा वो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है डेफिनेशन ज़रूर लिखो, क्योंकि इससे जो है एग्जामिनर पर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड मार्क्स. आपको 2-3 बार जो है इसको अच्छे से लिख के देखना है और आपको ये लर्न हो जाएगी. डेफिनेशन टू द पॉइंट इसलिए लिखनी है क्योंकि ये किसी ऑथर के कहे हुए वर्ड्स हैं, आप अपनी लैंग्वेज में इसको बना के नहीं लिख सकते हो. अकॉर्डिंग टू RB जैन द ऑथर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डेड द UPSC अलोंग द जुडिशरी एंड द कैग एज अ बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी. अब यहाँ पर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है उनका ऐसे कहना है कि जो UPSC है और उसके साथ जुडिशरी यानी कि हमारी जो न्यायपालिका है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और उसके अलावा कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे देश के अंदर हमारी डेमोक्रेसी को बचाते हैं, यानी एक डिफेंसिव वॉल की तरह ये काम करते हैं. अगर हम चाहते हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र की सरकार बनी रहे, पावर जो है वो लोगों के हाथ में रहे, तो उसके लिए इन 3 चीज़ों का भारत में होना बहुत ज़रूरी है, UPSC, जुडिशरी और कैग का. नेक्स्ट आपने हेडिंग लिखनी है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप ऑन 1 अक्टूबर 1926. तो जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसको स्टार्ट किया था 1 अक्टूबर 1926 में. इट्स लिमिटेड एडवाइजरी फंक्शंस फेल टू सेटिस्फाई द पीपल्स एस्पिरेशन. सो 1926 के अंदर जो यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन थी उसका बहुत लिमिटेड वर्क होता था, क्योंकि सारी पावर ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में रखी हुई थी. बहुत कम ही वर्क जो था वो पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया जाता था, जिसकी वजह से पब्लिक सर्विस कमीशन उस टाइम पे लोगों की जो एस्पिरेशंस है, जो डिमांड्स हैं, उसको पूरा नहीं कर पा रही थी. देयरफॉर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज फ्रेम्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935.
सो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फाइनली एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई, यानी सेंटर के लिए यूनियन और उसके अलावा जो हमारे प्रोविंसेस थे उस टाइम पे उनके लिए अलग से हमने पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई। सो बेसिकली ये कहने की बात कर रहे हैं कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें हम पावर को डिवाइड कर देते हैं सेंटर और स्टेट दोनों के लिए, यूपीएससी और एसपीएससी की शुरुआत सबसे पहले 1935 के एक्ट से हुई। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950 फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज अकॉर्डेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल। सो जैसे ही हमारा भारत का संविधान जो है वो इंडिया में लागू हुआ, जो कि 26 जनवरी 1950 को हुआ, उसके साथ हमारा जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सरी अकॉर्ड बन गया इंडिया का, यानी कि इट इज़ कंपल्सरी कि इंडिया में यूपीएससी काम करेगा पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, और जो एसपीएससी होते हैं जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो वर्क करेंगे स्टेट्स के लिए, ताकि जो इंडिया है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है प्रॉपरली वर्क करता रहे। स्टेटिंग अ कॉम्पोजिशन, आर्टिकल 315 सेज दैट देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर ईच स्टेट। सो यहाँ पे आर्टिकल जो है हमारा संविधान का 315, उसका ऐसे कहना है कि इंडिया में इट इज़ कंपल्सरी कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो होगा एक यूनियन में वर्क करेगा और साथ के साथ स्टेट में भी होगा जो स्टेट लेवल पे वर्क करेगा। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है मेंबरशिप, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट फिक्स द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी बट हैज़ द मैटर टू द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे हमारे संविधान में ये नंबर फिक्स नहीं है कि यूपीएससी कमीशन के अंदर कितने मेंबर्स होंगे, बट ये जो मैटर है ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। अब अगर वो चाहते हैं कि आज ज़रूरत है इंडिया में और यूपीएससी मेंबर्स को इंक्रीज करने के लिए, तो एक पार्लियामेंट में बिल लेके आएंगे, अगर वो बिल पास हो जाता है तो एक्ट बनने पे मेंबर्स इंक्रीज कर दिए जाएंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। द यूपीएससी हैज़ अ चेयरमैन एंड 10 मेंबर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो यूपीएससी कमीशन के अंदर एक मेन हेड होते हैं जिसको हम चेयरमैन कहते हैं, और उसके अलावा 10 और मेंबर्स होते हैं, इन सबको अपॉइंट कौन करते हैं, हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट। दीज मेंबर्स आर सिविल सर्वेंट्स इन सेंट्रल और स्टेट सर्विस, और इन सारे मेंबर्स को हम सिविल सर्वेंट्स कहते हैं जो सेंटर या फिर स्टेट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग टेन्योर, अ मेंबर ऑफ द यूपीएससी होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years एंड अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years विच एवर इज़ अर्लियर। सो यूपीएससी मेंबर जो है एक बार रिक्रूट होने पर 6 years तक अपनी सीट पर रह सकते हैं, या फिर एक और क्राइटेरिया है कि अगर उनकी एज जो है 65 years तक कंप्लीट हो गई है तब भी उनका जो है रिटायरमेंट हो सकता है। तो जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा पहले उसके अकॉर्डिंग उनकी रिटायरमेंट होगी। ये आपको मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की रिक्रूटमेंट हुई है और उस पर्सन की एज है 62 years। अब 62 years में वो रिक्रूट हुए हैं तो वो कितने साल तक रह सकते हैं, 6 years तक वो अपनी सीट पर रह सकते हैं। बट उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी क्राइटेरिया है कि अगर आपकी 65 years एज हो जाएगी तो आप जो है रिटायर्ड हो जाओगे, तो 62 के अकॉर्डिंग वो अपनी सीट पर यानी अपने ऑफिस में सिर्फ 3 साल रह सकते हैं। सो यहाँ पर 2 क्राइटेरिया हैं, अपनी सीट पे आप 6 years तक रह सकते हो, साथ के साथ अगर आपकी एज जो है 65 हो जाएगी तब भी आपकी जो रिटायरमेंट है आपके ऑफिस से हो सकती है। सो चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी शैल बी इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। सो चेयरमैन जो यूपीएससी के हेड है, अगर वो अपने सीट पर अपॉइंटेड है तो उसके साथ साथ वो और कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, एट वन टाइम वो सिर्फ यूपीएससी को ही सर्व करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट तो वो कहीं पे भी और एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, उन सारी सीट्स के लिए बाकी और जगहों के लिए वो इन एलिजिबल है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है सैलरी एंड अलाउंसेस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमिन्स द सैलरी एंड द अदर कंडीशन ऑफ सर्विस। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वही डिसाइड करेंगे कि यूपीएससी के मेंबर्स की कितनी सैलरी होगी और उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या रहने वाली है। कंडीशन ऑफ सर्विस कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग हिज टेन्योर, जब तक यूपीएससी मेंबर्स जो हैं वो अपनी पोस्ट पर हैं यानी उनकी रिक्रूटमेंट हो चुकी है उस दौरान प्रेसिडेंट जो है उनकी सर्विस में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जब वो सीट खाली हो जाएगी तब वो पार्लियामेंट में एक्ट लाकर जो भी उनकी सर्विस ऑफ कंडीशन चेंज करनी है तब कर सकते हैं, बट वंस द सीट इज फिल्ड बाय द यूपीएससी मेंबर तो उस दौरान जो है वो उसमें कोई भी कंडीशन में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ इट्स मेंबर्स आर चार्ज्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और जो भी उनकी सैलरी होगी, जो भी उनको अलाउंसेस यानी फैसिलिटीज दी जाएंगी वो इंडिया के जो टैक्स फंड है, हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसमें से उनको सैलरीज जो है वो दी जाएंगी।
नेक्स्ट आपकी हेडिंग है रिमूवल. अ मेंबर ऑफ द यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर. सो यूपीएससी के मेंबर को उनकी जगह से हटाने के लिए यानी उनके ऑफिस से हटाने के लिए सिर्फ प्रेसिडेंट ही ऑर्डर दे सकते हैं, वो भी किस ग्राउंड पे, अगर वो मिसबिहेव करते हैं. द प्रेसिडेंट विल रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट. अब प्रेसिडेंट जो है इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं. द सुप्रीम कोर्ट विल कंडक्ट एन इंक्वायरी. और सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, एक कमेटी बिठाएंगे और वो कमेटी जो है जो भी उस पर्सन पे या मेंबर पे चार्जेस लगे हैं उसको चेक करेंगे, फैक्ट्स पूरा चेक करेंगे कि ये सब सही है या फिर उस पर्सन पे गलत जो है इल्ज़ाम लगे हैं. सबमिट द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट. और जो भी उनकी रिपोर्ट होगी वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे. पेंडिंग द इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट में सस्पेंड द मेंबर कंसर्न्ड. सो अगर सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो इंक्वायरी कर रही है तब तक प्रेसिडेंट जो है उस कंसर्न्ड मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं. ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर. अब यहाँ पर लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट के कहने पर किसी भी पर्सन को हटाया जा सकता है उसके ऑफिस से, बट ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर पे अगर वो पर्सन मिसबिहेव करते हैं. अब मिसबिहेवियर का यहाँ पे क्या मतलब है, फर्स्ट पॉइंट है इफ़ ही इंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस. तो अगर कोई यूपीएससी का जो मेंबर है वो उसके ऑफिस के साथ साथ कोई और ऑफिस में भी इम्प्लॉयमेंट कर रहा है यानी कि वहाँ से भी सैलरी दे रहा है, चाहे वो यूनियन हो चाहे स्टेट हो, तब जो है इसको मिसकंडक्ट माना जाएगा और उस पर्सन के खिलाफ जो है इंक्वायरी बैठेगी. सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू प्रेजिडेंट्स ओपिनियन इफ़ ही और शी अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय द रीज़न ऑफ इनफर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी. और प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लगता है प्रेसिडेंट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग कि वो पर्सन जो है उस सीट के लिए फिट नहीं है, चाहे फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई डिजीज़ हो गई है, या फिर मेंटली वो पर्सन थोड़ा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, या फिर कोई ट्रेजेडी हो गई है उस पर्सन के साथ, तो इस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट जो है उस पर्सन को उसकी सीट से हटा सकते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शंस ऑफ द यूपीएससी. फर्स्ट पॉइंट है मैंडेटरी और द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, यानी कि ऐसे फंक्शंस जो यूपीएससी के मैंडेटरी हैं, कंपलसरी हैं, कि जो फंक्शंस यूपीएससी को करने ही होंगे. सबसे पहला पॉइंट है रिक्रूटमेंट थ्रू कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम. बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं कॉम्पिटेटिव लेवल के वो यूपीएससी कमीशन करवाती है इंडिया में. कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज पोस्ट ऑफ द यूनियन. तो सेंट्रल लेवल के लिए बहुत सारे पोस्ट को फिल करने के लिए यूपीएससी जो है कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम करवाती है. उसके बाद मेरिट बेस्ड पे एप्लीकेंट्स को रिक्रूट किया जाता है उनकी पोस्ट पर. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं कुछ डिपार्टमेंट्स के जिनके लिए वो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम करवाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नेशनल डिफेंस अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, नेवल अकेडमी, एयर फोर्स अकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी. सो ये सारे सेंट्रल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लिए कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स जो है कौन करवाता है, यूपीएससी. सेकंड पॉइंट है रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू इंटरव्यू. द कमीशन इंटरव्यूज कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. बहुत बार यूपीएससी कमीशन जो है कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेकर भी उनकी रिक्रूटमेंट करता है. वेयर द नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज़ वेरी लार्ज इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू कॉल फॉर इंटरव्यू ऑल द एप्लीकेंट्स. अब यहाँ पर जैसे कि मैं पता है कि कई पोस्ट के लिए बहुत सारी जो है सीट्स निकलती हैं, अब कैसे पॉसिबल है कि इतने सारे एप्लीकेंट्स को वन बाय वन जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए. सो कमीशन शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. सो यहाँ पे यूपीएससी कमीशन क्या करते हैं, जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो एक शॉर्टलिस्ट बनाते हैं, यानी मेरिट बेस पे लोगों को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है लिस्ट में नाम दिया जाता है और उसके थ्रू कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए. ऑफन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कम्बाइन विद द रिटन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू. और ये अक्सर देखा गया है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या होता है कि पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम के बाद आपकी शॉर्ट लिस्ट जो है वो तैयार होगी और शॉर्ट लिस्ट यानी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. फाइनल सिलेक्शन बींग डिसाइडेड बाई इंटरव्यू ओनली. और जो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी वो इंटरव्यू के थ्रू ही मानी जाएगी. फिर सेकंड आपका पॉइंट है कंसल्टेटिव और एडवाइजरी फंक्शंस ऑफ द कमीशन. अभी हमने ऊपर दो पॉइंट ऐसे पढ़े जिसमें कंपलसरी है वो फंक्शंस यूपीएससी कमीशन ने करने ही करने हैं. जो सेकंड है वो है कंसल्टेटिव और एडवाइजरी, यानी कुछ ऐसे फंक्शन जिसमें यूपीएससी एडवाइज करेगा दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको कंसल्ट करेगा. इसके अंडर आपका फर्स्ट पॉइंट है रिक्रूटमेंट रूल्स.
to advise the government on all the matters relating to the matter of recruitment either directly or by promotion. अब government के अंदर बहुत सारी ऐसी organizations हैं जिनके लिए post को fill किया जाता है, तो उन सारी post के लिए जो UPSC का mission है वो सरकार को एडवाइस करेंगे कि आपने किस तरीके से अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस रखना है, जो लेवल है एग्जामिनेशन का वो कैसा लेवल होना चाहिए. सो ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यूपीएससी कमीशन जो है वो सजेस्ट करता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड इन कंसल्टेशन विद दी कमीशन. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जो भी कमीशन ने बताया उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है अपना डिसीजन लेते हैं. अब यहाँ पर जिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो उन्हें सजेस्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल एटसेट्रा. सेकेंड पॉइंट है आपका प्रमोशंस. रिकमेंडेशन फॉर प्रमोशंस आर मेड बाय द डिपार्टमेंट्स कंसर्न्ड एंड द कमीशन इज रिक्वेस्टेड टू रेटिफाई देम. अब बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें जो भी प्रमोशंस होती हैं उसका क्राइटेरिया और उसकी मेरिट लिस्ट जो है वो यूपीएससी कमीशन जो है गवर्नमेंट को सजेस्ट करती है कि आपने किस तरीके से प्रमोशंस करवानी है. और जो भी उनको डाटा दिया जाता है उसको रेटिफाई करने के लिए भी कहा जाता है कि अगर आप प्रमोशन कर रहे हो वो फेयर बेसिस पे होना चाहिए, उसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी मेंबर के साथ, तो उसको प्रॉपरली चेक करने की रिक्वेस्ट भी की जाती है यूपीएससी कमीशंस के थ्रू. थर्ड पॉइंट है टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट्स. द कमीशन इज ऑल्सो कंसल्टेड ऑन मैटर्स लाइक टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट्स. अब बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि गवर्नमेंट की कुछ पोस्ट ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जिसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग जो है पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं देन इंटरव्यू करवाएं. सो इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं उनके नीचे जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उन सबॉर्डिनेट्स को ही कुछ टाइम के लिए टेम्प्रेरी बेसिस पे उस पोस्ट के लिए रिक्रूट कर दिया जाता है. तो यहाँ पर जो भी टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट्स होती हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, इससे रिलेटेड भी यूपीएससी कमीशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कर सकती है. री एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सर्टेन रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स. और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी री एम्प्लॉयड किया जाता है उनकी पोस्ट पे, यानी दोबारा से उनको नौकरी दी जाती है. तो उससे रिलेटेड भी जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, जो भी क्राइटेरिया होगा, वो भी यूपीएससी कमीशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करती है. नेक्स्ट आपकी हेडिंग है फैक्टर्स इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ द कमीशन. अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि जिससे हमारा जो यूपीएससी कमीशन है वो इंडिपेंडेंटली काम करे, उनकी वर्किंग में कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए. तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि यूपीएससी जो कमीशन है वो अच्छे से काम करे इंडिया में. फर्स्ट पॉइंट है मेंबर्स आर टू बी अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स और अंटिल द अटेनमेंट ऑफ 65 ईयर्स ऑफ एज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना उनका टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मेंबर्स को ऑफिस में रिक्रूट किया जाए. अब यहाँ पर अगर वो 6 साल कंप्लीट कर लेते हैं अपनी पोस्ट पे, या फिर उनकी एज 65 हो जाती है, उसके बाद उनकी रिटायरमेंट इज कंपल्सरी. लेकिन पॉइंट है द कंडीशन ऑफ सर्विस कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग हिज टेन्योर. सो उनसे रिलेटेड जो भी सर्विस के कंडीशंस हैं, जो भी उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनसे रिलेटेड जब तक वो अपनी पोस्ट पर हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए. वंस दे आर रिटायर्ड देन उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं पार्लियामेंट में बिल लाकर, बट जब तक वो अपनी सीट पर हैं तब तक उनसे रिलेटेड कोई सर्विस में कोई भी चेंज नहीं होने चाहिए. थर्ड पॉइंट है अ स्पेशल प्रोसीजर हैज़ बीन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिमूव द मेंबर फ्रॉम ऑफिस. अगर हम चाहते हैं यूपीएससी कमीशन के किसी भी मेंबर को उनकी सीट से रिमूव करने के लिए, तो एक पर्टिकुलर जो प्रोसीजर है उनको हटाने का वो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा लिखा गया है उसी रूल्स और रेगुलेशंस और स्टेप्स को फॉलो करके हम उस मेंबर को हटाएं. फोर्थ पॉइंट, अ मेंबर ऑफ द कमीशन इज़ नॉट एलिजिबल ऑफ द सेम अपॉइंटमेंट फॉर द सेकेंड टेन्योर. जो भी यूपीएससी कमीशन के मेंबर्स होते हैं वो दोबारा उसी सीट के लिए दोबारा से एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, यानी कि आप सेकेंड टर्म के लिए उसी पोस्ट के लिए रीअपॉइंट नहीं हो सकते हो. फिफ्थ पॉइंट, द सैलरीज एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द कमीशन वर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो उनकी जो भी सैलरीज और एक्सपेंसेस जाएंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जाएंगे, जो भी इंडिया का टैक्स होगा. सो इसीलिए उनकी जो सैलरीज हैं, जो उनसे रिलेटेड अलाउंसेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो कम नहीं की जा सकती जब तक वो अपनी पोस्ट में हैं, ताकि पोलिटिकल पार्टीज ऐसा कर उनको अपने फेवर में ना लेके आएँ और उनसे अपने अकॉर्डिंग वर्क ना करवा पाए.
लास्ट हेडिंग है आपकी वीकनेस, यानी कि यूपीएससी कमीशन के अंदर क्या कमियां हैं, क्या लूप होल्स हैं, अब वन बाय वन ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड, दस इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर द यूपीएससी टू कोप अप विद द इंक्रीजिंग वर्क एफिशिएंटली। अब जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, जिसके वजह से इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसीलिए सरकार क्या करती है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है इंक्रीज़ करती है ताकि इंडिया में वर्क प्रॉपरली होता रहे। अब इतनी सारी पोस्ट को फिल करना है, रिक्रूट करना है, उसके लिए कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम करवाने हैं, इंटरव्यू जो है वो रखना है, तो कई बार क्या होता है कि एफिशिएंटली वो लोग जो है इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा जितने भी मेंबर्स होते हैं उन पे हमेशा बर्डन रहता है, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो हर एक मेंबर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट है, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम बिटवीन द एडवर्टाइजिंग ऑफ द जॉब एंड द एक्चुअल अपॉइंटमेंट। अब जैसे कि हमें पता है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी पेपर निकालती है या किसी भी चीज़ का फॉर्म निकलता है, उसकी एक्चुअल डेट और जब आप अपॉइंट किए जाते हो ऑफिस में, उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है, तो यानी कि एक लंबा प्रोसीजर जिसको पास कर आप जो है किसी सरकारी नौकरी में लगते हो, तो ये बहुत ही लंबा टाइम होने की वजह से काफ़ी डिले होता है, बहुत सारे काम जो है वो पेंडिंग होते जाते हैं, जिससे वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है यूपीएससी कमीशन के मेंबर्स का। थर्ड पॉइंट, द पीरियड ऑफ द इंटरव्यू इज टू स्मॉल टू जज द कैपेबिलिटी एंड द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन। जो इंटरव्यू का टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम रहता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम इतने कम टाइम में किसी भी पर्सन की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को जज नहीं कर सकते हैं कि वो पर्सन कितना कैपेबल है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या फील्ड को लेके। फोर्थ पॉइंट है, देयर आर वेरिंग रूल्स फॉर रिक्रूटिंग पर्सनल्स इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, दिस रिजल्ट इन करप्शन, फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया कि यूपीएससी कमीशन जो है बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस को भी सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पर्सन्स को रिक्रूट करना है, किस तरीके से उनके जो एग्जामिनेशंस हैं वो होने चाहिए, इंटरव्यूज़ होने चाहिए। तो हर डिपार्टमेंट यानी हर ऑर्गेनाइजेशन का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, रूल्स रेगुलेशंस है, वो अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार सरकारी नौकरी में हमें फेवरेटिज्म देखने को मिलता है कि लोग फेवर करते हैं किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को, पर्टिकुलर जेंडर के लोगों को, पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को। और उसके अलावा करप्शन तो हमें पता ही है बहुत ज़्यादा होता है, पैसा देकर, रिश्वत देकर लोग जो है अपॉइंट किए जाते हैं, ऐसे केसेस सामने भी आते हैं। और नेपोटिज्म, अपनी फैमिली के मेंबर्स को जो वो पर्सन्स होते हैं रिक्रूट करवाने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इट इज़ अलेज्ड दैट द रिक्रूटिंग अथॉरिटीज ओनली फुलफिलिंग द formality of advertising the post and never try to get the best person. अब यहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है यूपीएससी कमीशन पर कि जब भी वो रिक्रूट कर रहे होते हैं, किसी भी पोस्ट की भर्ती कर रहे होते हैं, वो सिर्फ वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं जो उनको एक लिस्ट में दी जाती हैं, वो ये कोशिश नहीं करते कि उस पोस्ट पे बेस्ट से बेस्ट पर्सन आए। तो यहाँ पर जो कैपेबिलिटी है और कैपेसिटीज़ है जो लोगों की, उस पर वर्क नहीं किया जाता है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी को पूरा किया जाता है, जो उनको मेन प्रोसेस दिया होता है उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन को चूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। लास्ट आपका सिक्स्थ पॉइंट है, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स यूपीएससी हैज़ बिन लूजिंग इट्स रेपुटेशन ऑफ इम्पार्शलिटी एंड एफिशिएंसी। कुछ सालों से ये भी देखने को ट्रेंड मिल रहा है कि यूपीएससी कमीशन का जो रेपुटेशन थी, कि जो यूपीएससी कमीशन के मेंबर्स होते हैं वो पार्शलिटी के साथ नहीं काम करते, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, जो केसेस हैं वो जुडिशली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, उनकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी होती है, कैपेबल लोगों को चुना जाता है। ये जो सारी रेपुटेशन है यूपीएससी कमीशन के मेंबर्स की, वो धीरे धीरे वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा कि टाइम के साथ हमारे यूपीएससी कमीशन में बहुत सारी कमियां हैं और सरकार उन सारी कमियों को पूरा करने के लिए कोई मेजर स्टेप नहीं उठा रही है। नाउ एंड में कॉन्क्लूजन, 4 to 5 lines, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड, इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और योर सिलेबस, प्लीज़ कमेंट बिलो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। ऑल द बेस्ट अचीवर्स, हैव अ नाइस डे।